भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रविवार को कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान सीपी जोशी ने कई कार्यक्रमों में भाग भी लिया, तो वहीं मीडिया से बातचीत करने पर सीपी जोशी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में एक के बाद एक अपराध हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इन अपराधियों का साथ दे रही है। 65% घटनाओं को कांग्रेस ने फर्जी बताकर प्रदेश की जनता को कटघरे में खड़ा कर दिया। चुनाव वादों को लेकर सत्ता में आई कांग्रेस ने 4.5 साल गायब रही और चुनाव आते ही जनता के बीच आ गई। कांग्रेस के कई मंत्रियों ने अकबर को महान बताकर महाराणा प्रताप का अपमान किया, लेकिन चुनाव आते ही महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की बात करते हैं। वहीं सीपी जोशी ने कहा कि भारत के टुकड़े करने वालों का साथ देने वाले एकजुट हो गए हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी को हथियाना चाहते हैं, लेकिन देश अब जाग गया है और आने वाले चुनाव में इनको इनकी हकीकत बता देगा। मणिपुर की घटना को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कड़े रूप से अपना बयान भी दिया। एक तरफ वो हैं जो कहीं के अपराध के खिलाफ सरकार दिखाई दे, लेकिन दूसरी तरफ वो पक्ष है जब राजस्थान में एक के बाद एक अपराध होता है और हम अपराधियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। हम अपराधियों को संबल देने वाली भाषा बोलते हैं कि दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। राजस्थान तो एक ऐसा प्रदेश रहा है जो नारी की सुरक्षा के लिए अपने सर कलम करा दिए यहाँ के मर्दों ने, तो और 65% फर्जी घटनाएं, तो आप उन परिवारों को ऊपर मिर्ची डालने का, उनको और तकलीफ देने का काम कर रहे हो कि ये घटनाएं जो होती है दुष्कर्म की, प्रताड़ना की, अत्याचार की, वो फर्जी होती है। मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है कि अपने प्रदेश के बारे में चिंता करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक प्रश्न करता हूँ, कोई भी सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है या 5 महीने के लिए चुनी जाती है, और कोई सरकार चुनने के जस्ट बाद अपने क्षेत्र के जो हमारा मैनिफेस्टो होता है, चुनाव घोषणा पत्र होता है, उस आधार पर काम करना शुरू करती है। 4.5 साल कहाँ थी सरकार? क्या ये सारे बिल, सारे बोर्ड, देखिए दो पक्ष है, एक तरफ यही सरकार कहती है कि अकबर महान है, महाराणा प्रताप के लिए कलश बोले वो कभी जीते नहीं, वो भगोड़ा थे, इन्हीं की सरकार के मंत्रियों ने कहा, और चुनाव आते ही आप कहोगे कि महाराणा प्रताप का हम बोर्ड बनाते हैं विश्व महाराणा प्रताप के नाम से, योजना में कोई कमी नहीं। दूसरा सुनिए, एनसीईआरटी ने किताबें बनाई जहां मुगल आक्रांताओं के पाठ हटा दिए और हमारे राज्य देश के वीर सम्राटों के और जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी उनके नाम उसमें पाठ डाल दिए, तो इस सरकार ने 1.5 करोड़ किताबों को डंप कर दिया। मैं इसलिए आपके बीच में कह रहा हूँ, दो चेहरे हैं। राजस्थान में होर्डिंग लगे चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का इनाम, 25 लाख तक का इलाज फ्री, इतने लोगों ने 25 लाख, एक भी व्यक्ति तो ढूंढ के बताओ। और ये योजना आप लाए, अगर आयुष्मान भारत योजना नहीं होती, आप भी 2 बार मुख्यमंत्री थे, तो लोगों के स्वास्थ्य के लिए कोई योजना लेकर आए क्या? देखिए, मैं राजेंद्र गुड़ा जी की बात नहीं कर रहा, आप दिव्या मंदेरना जी जो इन्हीं की पार्टी के विधायक हैं, नहीं मैं वो खुद अपने आप को कह रही मैं सुरक्षित नहीं हूं। और ये नहीं, आपके आपके संभाग के और पूरे प्रदेश के कई जनप्रतिनिधि खुलेआम रूप से कह रहे हैं कि हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे, हम कर्जा माफ नहीं कर पाए, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए, महंगाई को रोक नहीं पाए, हम नारी की सुरक्षा नहीं कर पाए, हम दलित अत्याचार को नहीं रोक पाए, हम कहीं गंभीर नहीं है। तो ये 4.5 वर्ष में सिवाय भ्रष्टाचार के और कुर्सी बचाने के अलावा क्या किया है? अब जनता सब आपका असली चेहरा सामने। देखिए, एनडीए और एनडीए की बात मैं जब करूं, कौन लोग हैं आप उन सारे लोगों का चेहरा देखेंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उस नारों के लिए कौन वहां, इनमें से कौन कौन उनको समर्थन करने गए थे? भारत माता के टुकड़े करके प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करने वाले आज इंडिया की बात कर रहे हैं, ये कौन लोग थे जो हिंदुस्तान में कश्मीर में धारा 370 लगाई थी? ये कौन लोग हैं जो आज विदेश में जाकर भारत का, भारत को नीचा दिखाने की बात करते हैं, इस देश के सैनिकों को नीचा दिखाने की बात करते हैं? आज उनके मुंह से इस प्रकार की बातें देश सब जानता है कि कौन देश प्रेमी है, राष्ट्रभक्त है, और कौन राष्ट्र सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति और कुर्सी के लिए काम करते हैं। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़, और प्रेस करें बेल आइकन को।